और उसके अलावा मेरे पास और क्या ही रास्ता था। फिर दूसरी रात है, आज पता नहीं क्या हो ही रहा है, जब से गई हूँ दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो गाइस जैसे मैं बता दूं, सुबह का काम सब कुछ हो चुका है, पूजा हो गई है बस, और ये लोग निकल चुके हैं। आज उस समय वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि बहुत वो हो रहा था, हड़बड़ तड़बड़ थी आज, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गई मैं। उस समय वीडियो बनाने में क्या हो जाता ना, फिर वो भाग रही होती है, लेट हो रहा था। और जिस दिन मैं वीडियो बनाती हूँ तो उस दिन उसको लेके, मतलब बेटी को लेके ना, तो कुछ ना कुछ चीज़ एक रह जाती है फिर उसकी, फिर वही रहता है कि फिर पूरा दिन मेरे को टेंशन बनी रहती है। तो उस समय मैं कैमरा उठाती ही नहीं। खैर गई हूँ, पहुँच भी गई है, सब कुछ हो गया, मेरी पूजा वूजा सब कुछ हो गई। तो गाइस चाय वाय मैं पी चुकी हूँ और यहाँ पे देखो मैंने बना ली है पनीर, मटर पनीर की सब्जी। कढ़ैया थोड़ी सी मैसी है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चिटचिट कर रही थी, ऐसे देखो जूम करके। और ये देखो मटर पनीर, बड़ी महंगी मटर आई थी, मैं थोड़ी सी लेके आई और आज ही बना दी है। और इसको जब अच्छे से बर्तन में लगाऊंगी ना तब देखना। इधर चढ़ा रखे हैं राइस, उधर किचन का काम भी चल रहा है गाइस। और इधर मैं सोच रही हूँ, आज फ्राइडे है, थर्सडे को मैं डस्टिंग नहीं करती, आज फ्राइडे है, मैं अपना ड्रेसिंग टेबल वगैरह सब साफ करती हूँ, क्लीन करती हूँ, वही कर लूँ। और मैं सोचा चलो आज डस्टिंग करते करते वीडियो ही बना लूँ, क्योंकि सवेरे आज वीडियो बना नहीं पाई ज़्यादा जल्दी। वैसे साफ है उनका सा, वैसे बेड वेड पोछना पड़ता, डस्ट बहुत आती है वहाँ पर, एक दिन ना करो तो ऐसा जाता है। लेकिन थर्सडे मैं नहीं करती, तो नहीं करती चाहे जितनी भी डस्ट आती है। और कल बारिश बहुत हुई है, रात में गजब की हुई है, लेकिन फ़र्क कुछ नहीं पड़ रहा है यहाँ, मतलब इतना ठंडा हो जाए कि पंखा ना चलाना पड़े। लेकिन नहीं, देखो ना हवा चल रही है ना, तो कुछ कैसे दिखाऊं, देखो ना हवा चल रही है ना तो कुछ अच्छा, और धूप भी निकल आई है, ठंडी रात में बारिश हुई है। हम लोग जब वॉक कर रहे थे तब से शुरू हुई हुई, पूरी रात चली है बारिश, पूरी रात चली है। लेकिन सुबह उठ कर फिर वही वेदर, एकदम नॉन स्टॉप हुई बारिश, तब तो मज़ा भी आया। और एक कल ब्लॉग बंद करने के बाद एक आया था, ये क्या बोलते हैं, पार्सल, इतना छोटा सा नहीं है, बड़ा पैक था लेकिन उसके अंदर से इतना ही निकला, क्योंकि सामान ही बहुत छोटा है। मैं दिखाती हूँ, मैंने मंगाए थे प्लांट्स के बीज, मैं सोचा प्लांट्स वगैरह लगाती हूँ होते नहीं है तो बीज मंगा लूँ, और मीशो में देखा था मैंने, तो ये देखो छोटे छोटे पाउच बन के बीज आए हैं और सब में उनका नाम लिखा हुआ है ताकि आपको पता चले कि ये क्या है। आपको तो उल्टा दिखाई दे रहा होगा आई नो, बट ये देखो यहाँ पे सारे बीज हैं, 20-25 किस्म के, 20 वेराइटीज़ के हैं, कितनों के तो नाम देखो पता भी नहीं है। और सबके बीज ऐसे दिए हुए हैं, उनका नाम लिखा हुआ है और इनको वो दो, कहते तो हैं कि निकल आता है, तो मैंने जस्ट एक्सपेरिमेंट करने के लिए मंगा लिए थे। बहुत ज़्यादा महंगे नहीं है, 100 रुपीज़ का ये 20 बीज है, कोई कोई दो दो रिपीटर हैं, जैसे मैरी गोल्ड का ना गुला गुड़ क्या बोलते हैं ना उसको, गेंदा, हाँ येलो वाला जो गेंदा आता है उसके दो दो हैं, और पिटूनिया है उसके दो हैं। और पिटूनिया के बीज तो देखो दिखा ही नहीं दे रहे, देखो इसमें कुछ दिख रहा है, कुछ भी नहीं है। और ये पिटूनिया है देखो, उल्टा दिख रहा होगा आप लोगों को। और एक बड़ी मुझे बड़ा सुंदर बीजे लगे, उसके ट्रांसपेरेंट बीजे हैं, ये देखो वाई एकदम ट्रांसपेरेंट, सब्जा जैसे नहीं होगा वैसे। और इसका नाम है निमेशिया, निमेशिया इसके भी दो हैं, बहुत से नाम हैं, बल्सम बल्सम है, मैरी गोल्ड, ये देखो इसका मैरी गोल्ड, इसके भी दो हैं। तो इसी तरीके से कर करके ना बहुत सारे, एक आइस प्लांट भी है, उसके बीज देखो कैसे हैं, एकदम ट्रांसपेरेंट, आइस प्लांट लिखा हुआ है। अब पता नहीं ये आइस प्लांट क्या, क्या बर्फ निकलेगी क्या भाई, बाकी बहुत ये क्या है भाई, गैलराडिया, गैलराडिया पढ़ने में भी नहीं आ रहा, लेकिन इसके बीज देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना, सूखे सूखे हैं लेकिन बड़े सुंदर लग रहे हैं ये देखो। तो ऐसे करके ये देखो मैंने ये सारे बीज मंगाए हैं, तो अब एक एक करके इसको लगाते हैं, देखते हैं आज एक अगर टाइम मिलता तो एक आध लगा देते हैं। बस यही इसमें पड़ रही थी कि मैं इसको भिगा के लगाऊं कि ऐसे ही जस्ट लगा दूं,
और इसमें ये तो लिखा है कि बहुत ज्यादा नीचे मिट्टी में नहीं दबाना है, बस थोड़ा सा गड्ढा करके लगाना है, बहुत ज्यादा नीचे चला जाएगा तो नहीं होगा। इसमें यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस पे लिखा हुआ है कि नेवर प्लांट सीड्स टू डीप, मतलब बहुत ज्यादा नीचे डीप नहीं करना है, नहीं तो वो खराब हो जाएगा। तो चलो एक बार देखते हैं, लगा के देखते हैं, एक दो लगा लेते हैं, इतना तो टाइम है ही है, अभी वहाँ पे राइस भी चढ़ा हुआ है, तो देखते हैं कौन सा लगाते हैं। तो मिलती हूँ आपसे। तो चलो गाइस आप लोगों को दिखा देती हूँ, मैंने एक प्लांट वो सीड्स तो लगा दी है इस प्लांट में, और इसको कैसे पता चलेगा कि मैंने इसमें क्या लगाया है, क्योंकि अभी एक एक करके सभी लगाने पड़ेंगे ना। तो मैंने देखो यहाँ पे सेलो टेप से उसी का जो पैकेट था ना उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, ताकि मुझे भी पता रहेगा ना कि इसमें ये क्या लगा हुआ है। तो अब देखते हैं इसमें कितने दिनों बाद कुछ आता है कि नहीं आता, क्योंकि मिट्टी अभी कल बारिश हुई है इससे गीली थी, लेकिन मैं सोचूँ थोड़ा सा और इसमें पानी भी डाल दूँगी। अब देखते हैं, वेट करते हैं हफ्ता दो हफ्ता, थोड़ा सा पानी डाल ही दे रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ लग रहा है जैसे थोड़ा थोड़ा ड्राई है, बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ कहीं ऐसा ना हो कि सीड सड़ जाए। बाकी सब मेरे प्लांट से कोई धीमे धीमे वापस आ रहे हैं, इसमें भी देखो धीमे धीमे वापस आ रहे हैं, इसमें अभी तक कोई है नहीं कुछ, चलो देखते हैं। तो गाइस आज सुबह का पहला पार्सल एक और आ गया है, ये मैंने वही ब्रश टूथब्रश रखने वाला एक बॉक्सेस आते हैं ना इंडिविजुअली, तो वो मंगाएंगे। देखो पतले पतले चार हैं इसमें, इधर का नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि इसमें एड्रेस है। तो ये आ गए, इसका मुझे सबसे ज़्यादा वेट था, बहुत अच्छी चीज़ है, चार बॉक्स आ गए, हम तीनों के एक एक बॉक्स, तो देखो ब्रश सबके कवर्ड हो जाएंगे क्योंकि मुझे खुले हुए ब्रश बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो हैं, मक्खी बहुत हैं। वहाँ मेरे घर पे ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, मक्खी मच्छर एनऑल वो सब नहीं था, ठीक है चलता है, हर जगह एक जैसा नहीं होता है, तो इसलिए मैंने ये मीशो से मंगाया था, ये आ गया है मेरा। तो आज मैं इसको धो के वॉश करके अच्छे से ना अपने अपने सबके ब्रशेस इसमें अरेंज कर दूंगी। अब बचा है मेरा तीन और बचे हैं, एक तो मेरी बैंगल्स बची, मैं आज पहले ही से बता दे रही हूँ मेरा क्या क्या बचा है, बैंगल्स बची हैं, बैंगल का सेट एक मंगाया है, ये था और क्या है आइस क्यूब, हाँ बर्फ जमाने के लिए ट्रे मंगाई थी वो सिलिकॉन वाली, आजकल चली है ना बड़ी अच्छी, तो वो एक मंगाई और एक फोर्थ आइटम क्या है मुझे याद नहीं आ रहा, चलो आएगा तो मैं दिखाऊंगी। फिलहाल अभी तो जा रही हूँ मैं रेडी होने। तो गाइस मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल रेडी, और धूप तो ऐसी प्रचंड है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी और जा रही हूँ, इसको छोड़ूंगी पहले ट्यूशन में और फिर मैं जाऊँगी अपने बाल बनाने, क्योंकि मुझसे बाल नहीं बन रहे मेरे आज एकदम इतने खराब रहे, कल बारिश में जो भीगी हूँ ना और बाल उसकी वजह से ये देखो कैसे हो रहे हैं। मैंने तो कंघी बस हल्की सी करी है और अब मैं जा रही हूँ उन्हीं पे छोड़ रही हूँ, वही धोएंगी। और आज ये मैंने देखो एक नया इयररिंग पहना है, बहुत दिनों से खरीद के रखा हुआ था छोटा सा, मुझे इतने छोटे छोटे ही अच्छे लगते, कभी कभी बड़े भी पहनती हूँ बट फेस्टिवल एंड ओकेजनली बस, बट ऐसे ही छोटे छोटे मुझे बंदे से अच्छे लगते हैं। कैसे लग रहे मैंने पहन के देख के बता, मतलब कमेंट करके बताना। तो अभी मैं निकल रही हूँ, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और ये बहुत सारी ब्रेड है, इसको ले जा रही हूँ गाय को खिला दूँगी क्योंकि शायद दो दिन पुरानी हो गई है। तो चलती हूँ, मिलती हूँ। गाइस आज का दिन पता नहीं कैसा था, आज हेड वॉश कराया, सब कुछ कराया, फिर रील बनाऊंगी, दो तीन लोकेशंस देख रखी थी ओपन की, आज यहाँ पे जाके अच्छे से रील बनाऊंगी, बहुत दिनों से कुछ अच्छी रील्स नहीं बनी, अच्छे से रेडी हुई सब कुछ हुआ, लेकिन पता नहीं क्या दिन आज खराब था, जिस जिस लोकेशन में पहुंची थी वहाँ पे बारिश हो रही थी और मेरा काम नहीं हो पाया, और मैं जिससे इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरी एक रील। तो गाइस हम लोग घर वापस आ गए हैं, चेंज कर लिया और जा रहे हैं अपने क्योंकि देखो जो नियम उठाना है वो तो रोज़ करना ही करना है, भले ही थोड़ी देर करें, आज थोड़ा काम था इसलिए लेट हो गया। तो हम निकल पड़े आधा घंटा 10 मिनट की तरह योगा तो करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। तो गाइस मेरी वॉकिंग 25 मिनट्स की आज की कंप्लीट हो गई, और इससे ज़्यादा और मैं नहीं करने वाली, क्योंकि एक तो थोड़ा स्टार्टिंग में होता है ना कि आप एकदम से लगो, तो कल जो 45 मिनट्स किया ना उसका आज इफेक्ट हो रहा है, आज थोड़ा सा पैरों में, आज का सुबह से ही था मेरे,
तो आज तब भी और लेट भी हो गया था। दो रीज़न है आज कम करने के लिए, अदरवाइज रोज़ मेरा 45 मिनट्स का वॉकिंग का मेरा है नियम है। तो और आज एक तो इस सब बाहर गई थी और सब चीज़ों की वजह से लेट भी हो गया था। मैं तो आने वाली भी नहीं थी, लेकिन बेटी जिद करी कि नहीं चलो चलो चलो, मूड ठीक हो जाएगा, गुस्से में बैठी हो। तो बाहर आई तो थोड़ा अच्छा ही लगा। तो 20-25 मिनट वॉक कर चुकी हूँ और अब बस ये किसी से कॉल पे बात कर रही है। मैंने भी सोचा थोड़ा यहाँ पे बैठ के एडिटिंग कर लूँ, तो बस एडिटिंग कर ली है और घर जाऊँगी सीधे। और ज़्यादा ब्लॉग बनाने का आज मेरा मन नहीं है, क्योंकि जहाँ जहाँ जा रही थी मैं और इतना सुबह से प्रिपरेशन किया हुआ था कि ये बनाना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। दो लोकेशंस ओपन मैंने सेलेक्ट की थी, वहाँ वहाँ भी गई। वहाँ पे पहले वाले में तो मतलब बस जैसे ही गेट पे एंटर की हूँ मैं और बारिश हो गई। बात ये नहीं है कि मुझे बारिश में मैं भीग के पिघल जाऊँगी, नमक की बनी हुई हूँ, बट अभी मैं शैम्पू करा के आई हूँ और सेट करवाए बाल। अगर उसमें पानी पड़ जाएगा ना तो फिर वही कल परसों जैसे हो जाएंगे, जैसे मैं बारिश में भीगी थी, सब कुछ हो गया था। तो मैं वो नहीं चाहती थी कि मेरे बाल ख़राब हों। तो बहुत देर तक हम लोग वहाँ पे वेट किए, 15-20 मिनट वेट किए कि अब शायद बारिश रुक जाए, पर नहीं, कुछ नहीं हुआ। फिर हम लोग घसी आके वापस ही आ गए, और क्या ही करती बताओ, उसके अलावा मेरे पास और क्या ही रास्ता था। फिर दूसरी लोकेशन पे भी गए कि चलो थोड़ी दूर, क्योंकि ऐसा आजकल कैसी बारिश हो रही है ना, स्कैटर्ड में कि एक जगह हो रही है, एक जगह नहीं हो रही है। तो हम लोगों ने दूसरी जगह वाले में जाने की कोशिश करी कि ऑन द वे कुछ मिलता है तो वहाँ पे जाके कुछ कर लेते, 2-4 ही रील बना लेते हैं। बट वहाँ पहुँचे, बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही गाड़ी से उतरे, अंदर तक जा ही रहे थे, बूंदाबांदी शुरू हुई। फिर वापस आए, फिर भागे और फिर गाड़ी में बैठे। आज पता नहीं क्या हो ही रहा है, जब से गई हूँ कि पहला इस जो पार्लर में जहाँ गई हेयर वॉश कराने, वहाँ पे भी आज ना कुछ हुआ। लाइट नहीं आ रही थी तो उनका ड्रायर नहीं चल रहा था, एसी नहीं चल रहा था, गर्मी लग रही थी। तो शैम्पू कराओ, हेयर वॉश कराओ तो गर्मी भी ज़्यादा लगती है ना, तो एसी चाहिए रहता है, तो वो भी नहीं चल रहा था। मतलब आज पता नहीं कैसा, जहाँ जहाँ भी जा रही थी वहीं पे निराशा हाथ लग रही थी। तो यही हुआ कि अब चलो घर ही चलते हैं। तो मेरा तो वॉक पे भी नहीं आने का मन था कि पता चला वहाँ पे भी कुछ हो गया। तो खैर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, 25 मिनट की वॉक हो गई, 5-10 मिनट से मैं बैठी हूँ, थोड़ा सा एडिटिंग का काम कर लिया, अब जा रही हूँ घर। खाना वाना देखती हूँ, बनाना है या बाहर से आना है, व्हाटएवर जो भी है। 8:30 तो बज चुका है, अब देखती हूँ, अगर मुझे बनाना होगा तो मैं भी बना सकती हूँ, ऐसी बात नहीं है। और नहीं बनाना है तो फिर ऑर्डर करती हूँ, क्या खाते हैं लोग, क्या मन है इन लोगों का, पूछती हूँ। बाकी इस ब्लॉग को कर देती हूँ आज यहीं पे, क्योंकि मैं इसके बाद और नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि मेरा मूड अच्छा नहीं है। मैं मिलती हूँ आप लोगों से कल, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।